बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे द टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज अडैप्टेशन टू लैंड हैबिटेट. बेसिकली दिस इज द थर्ड लेक्चर वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटिंग. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. तो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है अडैप्टेशन टू लैंड हैबिटेट. सबसे पहले आप टॉपिक समझे फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे. देखिए ऐसा है कि माना ही जाता है कि जो जिंदगी है ना वो वाटर इन्वायरमेंट से मूव की है लैंड इन्वायरमेंट में. तो जब पानी से जिंदगी मूव करेगी जमीन की तरफ या वाटर इन्वायरमेंट से चेंज होगी टेरिस्टल इन्वायरमेंट की तरफ, तो जाहिर है वो अपनी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, कुछ अडैप्टेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे ताकि वो सर्वाइव कर लें हार्श ड्राई कंडीशंस में. ठीक है, तो यही हम कुछ अडैप्टेशंस डिस्कस करेंगे जो बॉडी में हुई हैं. चलो जी स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ये प्लांट्स का चैप्टर और इसमें हम फिलहाल सिंपलेस्ट प्लांट डिस्कस कर रहे हैं या फर्स्ट प्लांट डिस्कस कर रहे हैं जो कि ब्रायोफाइट्स माने जाते हैं. अब अगर इनकी एवोल्यूशन की बात करें तो हमने कहा था कि ये ग्रीन एल्जी से इवॉल्व हुए हैं. एल्जी की बात करें ना तो एल्जी जो है वो वाटर सर्फेस पर रहते हैं और उन्होंने अपनी बॉडी बहुत एक्सपोज की होती है, स्प्रेड की होती है बॉडी. ठीक है, तो जब ग्रीन एल्जी से ब्रायोफाइट्स बने तो जब वो वाटर वाली इन्वायरमेंट से टेरिस्टियल इन्वायरमेंट में आए तो उन्होंने अपनी बॉडी में ज़ाहिर कुछ चेंजेस किए होंगे, कुछ अडेप्टेशन किए होंगे. उन चेंजेस और अडेप्टेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब क्या चेंजेस होंगे वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जब कोई भी इन्वायरमेंट वाटर इन्वायरमेंट से लैंड इन्वायरमेंट में आएगा ना, सबसे बड़ा इशू उसको ये होगा कि वाटर लॉस होगा. तो वाटर लॉस के इशू को रिजॉल्व करने के लिए फिर बॉडी में कुछ चेंजेस होंगी. उन प्लांट्स बॉडी में जो चेंजेस हुए वो हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले रिड्यूस सरफेस एरिया. मैंने आपको बता दिया कि जो एल्जी है वो एक्सपोज्ड बॉडी सरफेस रखती है, वो अपने आप स्प्रेड की होती है उन्होंने बॉडी, क्योंकि उनको कोई इशू नहीं है. उनका सरफेस एरिया ज़्यादा भी है ना तो वो वाटर में रहते हैं. अगर उनमें वाटर की एवेपोरेशन भी हो ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या करेंगे, वो इन्वायरमेंट से फिर पानी ले लेंगे. लेकिन जब ब्रायोफाइट्स या लैंड इन्वायरमेंट में या लैंड हैबिटेट में कोई भी चीज़ कन्वर्ट होती है या लाइफ कन्वर्ट होती है तो उन्होंने अपने आप में चेंजेस करने. सबसे पहला चेंज वो ये करेंगे रिड्यूस सर्फेस एरिया. जब ब्रायोफाइट्स में क्या चेंजेस हुए, उन्होंने अपने सर्फेस एरिया को रिड्यूस किया. ठीक है, एल्जी में तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड सर्फेस एरिया था लेकिन ब्रायो फर्स्ट ने क्या किया, सरफेस एरिया को रिड्यूस किया. कैसे सरफेस एरिया को रिड्यूस किया, इन्होंने कंपैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनाई. अब कंपैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी का मतलब जितनी भी एक्सपोज्ड सरफेस थी ना उन्होंने अपने सरफेस एरिया को कम किया. अब जब सरफेस एरिया कम होगा, लेस सरफेस एरिया, लेस वाटर वेपोरेशन, तो इससे क्या होगा कि हमने वाटर को कंजर्व कर लिया. हमारा इशू ये है कि हमने वाटर को लॉस होने से बचाना है. जब सरफेस एरिया कम एक्सपोज होगा ड्राई लैंड कंडीशन में तो जाहिर है पानी की वेपोरेशन कम होगी. पानी की वेपोरेशन कम होगी तो जाहिर है सर्वाइवल ऑफ रेट जो है इन्वायरमेंट में ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे. तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि पानी को ही तो हमने कंजर्व करना है. नेक्स्ट अगेन पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर. अब क्या है, अब ऐसा है कि इनके स्ट्रक्चर में हमने कह दिया सर्फेस एरिया में, अब इनके स्ट्रक्चर में भी कुछ मॉडिफिकेशन होती है. अब जब हम लीफ का स्ट्रक्चर फर्दर पढ़ेंगे ना, कम्प्लेक्स प्लांट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी उनमें प्रॉपर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे, तब मैं आप में उनमें फोटोसिंथेटिक टिश्यूज बताऊंगी. लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि अडेप्टेशन में इन्होंने ना अरेंजमेंट में भी अडेप्टेशन की. जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज है उन्होंने अपनी अरेंजमेंट में ऐसी मॉडिफिकेशन की, उनकी अरेंजमेंट में या उनकी मॉडिफिकेशन ऐसी हुई कि होता यह है कि उन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज में परफेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है और लाइट भी बड़े अच्छे से वहाँ चले जाती है, लाइट का एक्सपोजर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वाटर लॉस जो है वो कम होता है. तो यही तो हमें करना है, हमें वाटर को तो कंजर्व करना है. तो अडेप्टेशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सर्फेस के अंदर, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज की मॉडिफिकेशन की, उनकी अरेंजमेंट इस तरह से की कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन भी बड़े अच्छे से हो रही है, लाइट का एक्सपोजर भी बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन वाटर लॉस उनसे बच रहा है. तो ये इस तरह की अरेंजमेंट है जिससे हमें पानी को कंजर्व कर लिया. चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अब एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब, अभी पीछे हमने कहा कि जी हमने वाटर को लॉस ही नहीं होने दिया या कम होने दिया या हमने कुछ चेंजेस किए जिससे पानी जो है वो एवेपोरेट ही कम हो. अब एवेपोरेट से तो हमने बचा लिया, अब हम एब्जॉर्प्शन की तरफ आएंगे. इन्होंने मॉडिफिकेशन की अपनी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए भी कि भाई एब्जॉर्प्शन कैसे की जाए. तो ब्रायोफाइट्स ने एक स्ट्रक्चर इवॉल्व किया या फिर प्रोड्यूस किया, वो है राइजोइड्स. अब राइजोइड मैंने पीछे भी बताया ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रूट्स नहीं होते, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है. रूट लाइक का मतलब है कि ये प्रॉपर रूट्स नहीं है. रूट्स में जाइलम और फ्लोइंग मौजूद होते हैं, इनमें जाइलम और फ्लोइंग मौजूद नहीं होते, ये रूट लाइक है. लेकिन फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस ये जो है वो बिल्कुल रूट्स की तरह परफॉर्म करते हैं. जैसे रूट्स एब्जॉर्प्शन करती है ना, एंकरिंग करती है, इनका भी यही काम होता है. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अडेप्टेशन की स्ट्रक्चर को ओरिजिनेट किया जो कि राइजोइड है. इनका काम यह था कि राइजोइड जो है एक तो वो सर्फेस के साथ अटैचमेंट कराते हैं, एंकर करने में हेल्प करते हैं, दूसरा वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं. ये थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको दिखाया. क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने वाटर रिलेटेड जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी ना वेट या फिर वाटर इन्वायरमेंट से लैंड इन्वायरमेंट में आने के बाद, वो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया. अब नेक्स्ट सर्वाइवल रेट बढ़ाना है. भाई हार्श इन्वायरमेंट में आए तब सर्वाइवल रेट कैसे बढ़ाया जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज हेट्रोगैमी. हेट्रोगैमी हेट्रो मीन टू, गैमी मीन गैमेट्स. मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर दो डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस किए. अब वो दो डिफरेंट गैमेट्स रखने वाले स्ट्रक्चर को हमने कह दिया कि जी ये जो है वो हेट्रोगैमी माने जाते हैं. क्लियर है? हेट्रोगैमी मीन इनके पास दो डिफरेंट गैमेट्स, एग और स्पर्म होते हैं. अब जब एग है वो आपको पता
नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते, स्पॉन्ज जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, अब सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए इन्होंने फूड को भी रिजर्व कर लिया, फूड को भी भाई अपने अंदर ही स्टोर कर लिया, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में जब इनको खुराक की जरूरत हो तो ये अपनी बॉडी के अंदर ही खुराक जो पड़ी होगी उसी को ही यूटिलाइज कर लें। अब कहाँ ये किस एरिया में ये यूटिलाइज करते हैं या कहाँ ये रिजर्व करते हैं, ये ऐसा है कि एग के अंदर ये फूड को स्टोर करते हैं। अब एग के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है मटीरियल को स्टोर करते हैं। अब एग की बात करें तो एग जो है ना वो साइज में स्पर्म से काफ़ी बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इन्होंने अपने अंदर ही फूड को रिजर्व करना होता है, फूड को स्टोर करना होता है। और जाइगोट, आपको पता है जाइगोट ही है, तो जाइगोट के अंदर जब एम्ब्रियो बनता है तो इनिशियल स्टेज में अगर उनको एनवायरनमेंट में ना भी खुराक मिले तो जो एम्ब्रियो है वो एग के अंदर पड़ी हुई स्टोर फूड को ही इस्तेमाल करके ग्रोथ और डेवलपमेंट शो कर रहे होते हैं। क्लियर होगी, समझ आ गई? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनको हेल्प देता है सर्वाइवल में। नेक्स्ट इज सेक्स ऑर्गन्स। अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें, आपको पता है कि इनमें दो सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया था, मेल और फीमेल, मेल एंथ्रीडिया है और फीमेल जो है वो आर्चिगोनिया। अब इनके अंदर हमने कहा था कि मीट होते हैं, एग होता है और स्पर्म होते हैं जिनको स्पर्मेटोजोइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और एग होता है जिसको ओस्पोर भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि है क्या, अब इन्होंने ना कुछ ऐसे चेंजेस किए कि इनके जो गैमेट्स हैं ना वो भी वही सेफ पड़े हों, गैमेट्स को भी हार्श इन्वायरमेंट ना हो, ये ना कि गैमेट्स की डेथ हो जाए या गैमेट्स जो हैं वो आप कह सकते हैं वो ख़राब हो जाए। उनको भी कंजर्व किया, उनको भी प्रिजर्व किया, उनको उनकी भी प्रोटेक्शन करवाते हैं। कैसे प्रोटेक्शन करवाते हैं? कहते हैं जो गैमेट्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट करवाते हैं किससे प्रोटेक्ट करवाते हैं? स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स जो कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो जिन ऑर्गन्स के अंदर, जिन सेक्स ऑर्गन के अंदर, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया है, उनके अंदर जो एंथ्रीडियोजॉइड्स हैं ना या जो स्पोरोजॉइड्स हैं उनके अंदर जो मौजूद मेल गैमेट है ना उनकी प्रोटेक्शन करवाता है ये सेक्स ऑर्गन। इसी तरह फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्चिगोनिया। तो ये ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल गैमेट एग की प्रोटेक्शन करवाता है। तो इन्होंने प्रोटेक्शन भी बड़ी अच्छे से करवा दी ताकि सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो। देखिए ऐसा है कि उन्होंने कहा कि जो एम्ब्रियो ना उसको भी उन्होंने बड़ा संभाल के रखा, एम्ब्रियो की भी जो है वो प्रोटेक्शन की ताकि डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हों, सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हों, हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हों और हार्श इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके। क्या किया इन्होंने, कहा कि जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना जाइगोट के बाद तो इन्होंने ना फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर ही उसको काफ़ी देर तक स्टोर किया। किसकी बॉडी के अंदर? देखिए मैंने आपको बता दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी या फिर आप और जैसे हमने पीछे आर्चिगोनिया में डिस्कस किया तो आर्चिगोनिया के अंदर ही वो एम्ब्रियो पड़ा रहता है, वहीं थोड़ी देर तक पड़े रहने के बाद वहाँ से ही जाइगोट के अंदर से फूड ले रहा है और डिवेलप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन करवा रहे हैं काफ़ी देर तक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर रहता है जिसके बाद एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट हो सकती है, एम्ब्रियो की डेथ नहीं होती, क्लियर है, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो ये क्या किया हमने, एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट करवा दिया, गैमेट्स को भी प्रोटेक्ट करवा दिया, वाटर की भी इवेपोरेशन नहीं करवाई हमने, वाटर को एब्जॉर्ब भी करना शुरू कर दिया जिसके बाद काफ़ी चांसेस हो गए लैंड हैबिटेट को सर्वाइव करने पे। नेक्स्ट इज कि इन्होंने ना अपनी बॉडी के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला प्रोसेस अडैप्ट किया, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन चेंज। हम बार बार पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जी एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट होना, स्पोरोफिटिक जनरेशन का गैमेटोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट होना, हैप्लॉइड जनरेशन का डिप्लॉइड जनरेशन में कन्वर्ट होना, तो ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ये फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस किया जिसके बाद इनके पास ये चांसेस आ गए कि परफेक्ट जेनेटिक जो है वो रिकम्बिनेशन देखी गई, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया। और हमें क्या हुआ कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ना सिर्फ सर्वाइवल रेट देखा गया, उसके बरक्स जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी गई उसके बाद हमें वर्सेटाइल कहते बहुत ज़्यादा हद तक वैरायटी भी मिली प्लांट्स की, क्योंकि परफेक्टली हमें जो है वो जेनेटिक मेकअप मिला, ठीक है, रीशफलिंग ऑफ जीन के बाद जब स्पोर्स बनेंगे तो उनके पास बड़ा परफेक्ट या बेस्ट आप कह सकते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन रखने वाले जब नेक्स्ट प्लांट्स में या फिर नेक्स्ट प्रोजेनी में कन्वर्ट होंगे तो हम कहते हैं कि हमें वर्सेटाइल वैरायटी बहुत ज़्यादा हद तक वैरायटी मिल जाती है टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में, ना सिर्फ सर्वाइवल बल्कि हमें कंडीशन उस हार्श कंडीशन में जो वैरायटी मिलती है वो भी बड़ी परफेक्ट और बेस्ट वैरायटी मिलती है और काफ़ी ज़्यादा हद तक हमें नंबर ऑफ वैरायटी मिलती है। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अडेप्टेशन ऑफ डिस्कस की थी लैंड हैबिटेट के, लैंड हैबिटेट में क्या अडेप्टेशन की जाती हैं, सर्फेस एरिया काम किया जाता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, हमने कहा जी फोटोसिंथेटिक टिश्यूज की अरेंजमेंट देखी, हमने कहा जी एब्जॉर्प्शन के लिए राइजोइड होने फॉर्म कर दिया, हेट्रोगैमी डेवलप कर दी, फूड को रिजर्व कर दिया, अपने जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू उन्होंने गैमेट की प्रोटेक्शन कर ली, हमने कहा जी एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन कर दी, अल्टरनेशन जनरेशन का प्रोसेस हुआ, हमने स्पोर्स की डिटेल डिस्कस की कि जी स्पोर्स में जब मियोसिस होगी, रीशफलिंग ऑफ जीन देखी गई, जेनेटिक बेस्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन जब आगे कन्वर्ट होंगी प्रोजेनी में तो वो वर्सेटाइल वैरायटी रखते हैं, और इसके बाद हमारे ना सिर्फ सर्वाइवल रेट ज़्यादा हुए बल्कि हमें प्रोजेनी बड़ी बेस्ट मिल गई। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ ना आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।